आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। दिल्ली गोंडा मौजपुर में रहने वाले मोहम्मद नाजिर अंसारी जनता के काम लगातार करते रहते हैं। कभी आधार कार्ड, कभी वोटर आईडी कार्ड, कभी किसी का मेडिकल, कभी किसी को हॉस्पिटल में भर्ती कराना, कभी किसी की पेंशन बनवाने, आवास विकास के मकानों के रजिस्ट्रेशन कराना, इस तरीके के काम करते हैं। मोहम्मद नाजिर अंसारी जनता के उसमें काफ़ी अच्छी छवि बना रखी है और जनता भी उन्हें काफ़ी पसंद करती है। हमने आज जनता से बात की, जनता ने कहा अगर नाजिर भाई को बीजेपी सरकार टिकट देती है तो 100% हम जिता के लाएंगे। अब यह तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा कि बीजेपी सरकार टिकट देती है या नहीं, क्योंकि बीजेपी में शायद मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया जाता। अभी लोकसभा के चुनाव भी हुए थे, उसमें भी कोई मुस्लिम टिकट का उम्मीदवार नहीं था, तो क्या विधानसभा में मुस्लिमों को बीजेपी टिकट देगी? अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर बीजेपी मोहम्मद नाजिर अंसारी को टिकट देती है तो शायद जीत हो सकती है, जो जनता कह रही है। जनता का क्या रुझान है यह तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन शायद बीजेपी ने 4 मुस्लिम कैंडिडेटों को दिल्ली में टिकट देने का फैसला किया है। अब ये कहाँ कहाँ दिए जाएंगे, कौन सी विधानसभा में दिए जाएंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। जो नाजिर अंसारी हैं वो कितना काम करते हैं जनता के पक्ष में और कितना नहीं करते हैं, जनता की ही जुबानी हम सुनते हैं। और नाजिर अंसारी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जनता से बात करते हैं। जो जनता यहाँ आई हुई है, पर दिन आती है, किस काम के लिए आती है और क्यों आती है, क्या इनके काम होते भी हैं या नहीं। आपका नाम? रुखसाना। रुखसाना जी, किस लिए आई हैं आप? फार्म, उसके लिए आई हूँ, फ्लैट के फार्म भरने के लिए। फ्लैट के? फ्लैट का क्या हिसाब है, मतलब किस तरीके के फार्म भरे? आवास विकास के। आवास विकास के जी। अच्छा, ये कौन करवाता है इस काम को? नासिर भाई। नासिर भाई जी। जानते हो आप अच्छी तरीके से जी। और अभी आपने एक खुशखबरी भी सुनी होगी कि नाजिर अंसारी साहब को टिकट मिलने वाला है। हाँ। तो क्या वोट भी देंगे या नहीं? देंगे, पक्का? इंशाल्लाह पक्का। आपका नाम? आशा। आशा जी, जो आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं तो यहाँ आती हूँ, 5-6 साल से मेरा आना जाना है, लेकिन मेरा काम ये होता है मेरे पेंशन करानी है अपनी। अच्छा, अभी तक पेंशन बनी नहीं है? नहीं, अभी नहीं बनी। एज है आपकी? उम्र कितनी? 60 साल है। 60 साल। हाँ, तो नाजिर भाई पेंशन बनवाते हैं? हाँ, मैं तो यहाँ इसी वजह से आई हूँ। अच्छा, इसी वजह से? हाँ। जो इन्हें टिकट मिल जाता है, जो बीजेपी सरकार है उसने अब के कहा है कि 4-5 मुस्लिमों को हम टिकट देंगे दिल्ली में जी। तो क्या अगर इन्हें टिकट मिलता है तो वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, इंशाल्लाह। पक्का जीता के लाए? बिल्कुल इंशाल्लाह पक्का जीता के लाए। बिल्कुल। आपका नाम? आयशा। मैं आयशा बोल रही हूँ, 8 साल से आती हूँ। आयशा जी, आज क्या कराने आई है फिर? आज मैं कराने के लिए आई हूँ, अपने क्या नाम है, लोन का वो कराने के लिए आई हूँ नाजिर भाई के पास में। मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था, जिस दिन से मैं आई हूँ नाजिर भाई के पास में, 8 साल हो गए मुझे आते हुए, लेकिन जिस काम के लिए भी आई हूँ अभी तक तो खाली गई नहीं हूँ। अच्छा, काम हो जाते हैं जी? काम सब होते हैं, और जिसको भी लेके आती हूँ सारे काम होते हैं मेरे। जिसको भी आप लेके आते हैं जी, सारे काम होते हैं जी? सारे काम होते हैं। नाजिर भाई टिकट लाएंगे हम, हर सूरत से नाजिर भाई को जिता के लाएंगे। औरों की भी वोट दिलाएंगे जी? औरों की भी वोट दिलाएंगे इंशाल्लाह, 200-250 वोट दिलाएंगे। जैसे कहते हैं कि भाई मुस्लिमों के लिए बीजेपी पार्टी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सबके साथ सबका विकास, जो सबके साथ रहेंगे वही सबका विकास रहेंगे। अच्छा, जो सबके साथ सबका विकास जी, यही करेंगे जी? यही करेंगे। तो नाजिर अंसारी को जिता के लाएंगे जी? जिता के लाएंगे। उसकी वजह कुछ रीजन होगा? सबका काम करते हैं, गरीबों का साथ देते हैं, सबका काम करते सबके हैं। काम करते हैं, कोई भी हिंदू है, हिंदू है, मुसलमान है, सबको एक नजर से देखते हैं, कोई वो नहीं है जी। आपका नाम? बिमलेश। बिमलेश जी। बिमलेश जी, क्या मामला, किस लिए आई हैं आप यहाँ? पहचान पत्र के लिए आए। पहचान पत्र के? अभी तक पहचान पत्र बना नहीं है आपका? बन गया है। बन गया है? हाँ। तो उसे लेने के लिए आए? लेने आए। लेने आए जी। तो यहाँ किसके पास में आए आप? नाजिर भाई के। नाजिर भाई के? हाँ। मतलब सब जानते हैं कि हाँ, नाजिर भाई ये काम कराते हैं, आधार कार्ड, पहचान पत्र, लोन भी, लोन भी सारी चीज करवाते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो करावल नगर। करावल नगर, शिव विहार के पास जी। अच्छा, इतने दूर से भी यहाँ पे आते हैं? हाँ जी। कि नाजिर भाई काम कराएंगे, और कोई काम नहीं कराता है? नहीं, भाई साहब ये काम कराते हैं, नाजिर भाई साहब। आपका नाम? खुशनबी। खुशनबी, खुशनबी जी, किस लिए आए हैं आप? फ्लैट के उसमें आए हैं। फ्लैट के उसमें? हाँ। आवास विकास योजना के तहत जो फ्लैट के फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं उसके उसमें? हाँ, भर गए। उनसे भी हम बात करेंगे कि वे यहाँ किस लिए आए हैं और क्या क्या काम नाजिर भाई कराते हैं
और किस किस रूपरेखा के लिए कराते हैं? सर आपका नाम? मेरा नाम राम कुमार सिंह है। राम कुमार। हाँ जी। राम कुमार जी किस लिए यहाँ आए हैं आप? हम पहचान पत्र बनवाने के लिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह। तो इसके लिए तो आप नजदीकी ब्लॉक में भी जा सकते थे? नहीं, तो वो तो पैन कार्ड और जो है पहचान पत्र जगह बन गए थे, लेकिन उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत थी, वो चेंज करानी है। अच्छा, वो यही करवा देते हैं? हाँ जी। ये कोई पैसा लेते हैं, कोई चार्ज देते हैं? नहीं, कोई पैसा नहीं लेते हैं और काम करवा देते हैं। हाँ जी। आपका नाम क्या है जी? शकील अहमद। शकील जी, हाँ। आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ पेंशन के लिए आए हैं। पेंशन के लिए? हाँ। मतलब अभी तक आपकी पेंशन नहीं बन रही? अभी तक नहीं। कितनी उम्र हो रही है आपकी? मेरी 60 से ऊपर हो रही है। 60 से ऊपर हो रही है। तो ये जो जनता काम कराते हैं बिल्कुल निःशुल्क कराते हैं या कोई पैसा लेते हैं? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, डेली रोज करते हैं इस तरीके का, या आज दिखाने के लिए खाली जो मीडिया वाले हैं उन्हें दिखाने के लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं, रोज आना करते हैं। यहाँ भीड़ लगी रहती है। कितने आदमी आते हैं? बहुत आदमी आते हैं, पूरे भर जाते हैं यहाँ पे आदमी। 100 से 150 आदमी पर डे आ जाते होंगे? ये तो मैंने मतलब नहीं गिना, लेकिन बहुत सारे आदमी आते हैं। हाँ। अच्छा, इनकम का ग्रोथ क्या है फिर इनका? इनकम सर्टिफिकेट इन्होंने दिया बना के। अच्छा। हाँ। आपका नाम? गुलफाम। गुलफाम जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? सर जी, यहाँ फ्लैट के चक्कर में आए। फ्लैट के आवास विकास योजना के तहत जो फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं उसके लिए? हाँ जी, उसके लिए। तो उसमें कोई चार्ज लिया है इन्होंने? नहीं सर जी, कोई चार्ज नहीं। आप कहाँ से आए हैं? सर विजय मोहल्ला से आए हैं जी। अच्छा, तो आपके काम वगैरह होगा? हाँ सर, बिल्कुल होगा। हाँ जी, हाँ जी। अभी हम बात करते हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, जिनका नाम है मोहम्मद नाजिर अंसारी। उनसे भी पूछ लेते हैं, क्या जनता उन्हें जब इतनी चाहती है, क्या बीजेपी सरकार उन्हें टिकट देगी? जैसे घोषित भी क्या है कि 4 मुस्लिम लोगों को दिल्ली विधानसभा में टिकट मिलेगा। तो आइए हम बात करते हैं नाजिर अंसारी जी से। सर, जैसा आप जनता का काम कराते हैं और जनता भी देखी यहाँ कि आपके लिए बड़ी खुश है, और लोग ये कहते हैं कि अगर टिकट मिलता है तो चुनाव जिता कर लेके आएंगे। देखिए, जनता क्यों खुश है आपसे इतनी? जनता इसलिए खुश है कि मैं जनता का काम करता हूँ, और मैं नहीं, सबको चाहिए, जितने भी हमारे जो लोग हैं सरपंच लोग हैं, उनको चाहिए कि सब ईमानदारी से काम करें। ये सारे गरीब लोग हैं, अगर हम इनका काम करते हैं तो ये जुड़े रहते हैं, और इन्हें लगता है कि नाजिर भाई हमारा भाई है। और मैं अगर एक दो दिन के लिए कहीं चला जाऊं तो ये बड़ा परेशान हो जाते हैं, बड़े फ़ोन इनके आने लगते हैं। और जब मैं बैठता हूँ कि नाजिर भाई हम इतने ऊपर चढ़े, आपका 14 मंजिल पर ऑफिस है और हम यहाँ आते हैं और आप नहीं मिले, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई है नहीं। तो इस तरह से, क्योंकि मैं काम करता हूँ इनका सारे, अभी ये हैं यहाँ पर, किसी का इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, इनकम सर्टिफिकेट के बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। अस्पताल में इनकी अब आंखें बननी है, उसके अंदर कुछ चार्ज लग रहा है, टेस्ट लग रहा है, तो मैंने इनकम का बनवा दिया, अब इनका सारा काम फ्री हो जाएगा। अच्छा, कुछ और भी सुनने में आया, जैसे बहुत से गरीब तबके के लोग हैं और उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है, 2,000, 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000 लाख रुपए तक का भी आप लोन भी कराते हैं, वो क्या स्कीम है? देखिए, वो कंपनियां हैं और लोन जो दे रही हैं, बैंक हैं, HDFC बैंक है, SBI है, सारे बैंकों से, तो वो आधार कार्ड और पैन कार्ड वो लिंक करके उससे पर्सनल लोन वो दे रहे हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं ये, तो किराए पे रहते हैं और इनका एड्रेस भी ऐसे ही है, आज यहाँ कल वहाँ, तो उनको लोन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैंने देखा कि इनकी समस्या है, तो मैंने यहाँ पर कैंप लगवा दिया कि आपका ये लोन हो जाए, तो इनके लोन हो रहे हैं अभी, हुए कहीं 50,000 के, एक किसी का 1,00,000 का भी हुआ है, 10-10, 20-20 हज़ार के भी हुए हैं, जिनका कुछ नहीं है उनका 2,000 भी हो रहा है। तो जैसे जैसे इनका होगा और ये आप टाइम पे भरेंगे, ये सारे बड़े ईमानदार लोग हैं, तो इनकी एक साख बन जाएगी, तो उससे हम एक बड़े भी इनके लोन करा पाएंगे। ये इसलिए है क्योंकि ये अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकें, और उस कारोबार की वजह से इन्हें लोन दिया जा रहा है, जिसे टाइम पे भरें और इनकी साख बन जाए, आगे कोई ना बड़ा लोन भी मिल जाए। तो यहाँ कोई अधिकारी वगैरह भी है जो लोन पास कराता है, वो है मौके पे? वो अभी आने वाले रास्ते में है, और बैंक की तरफ से हैं वो, उनसे बाकायदा उन पर लाइसेंस वगैरह सारे हैं, और वो इन सब का काम कर रहे हैं। मैंने उनको एप्लीकेशन लगाई कि आप आइए हमारे यहाँ, और इन गरीब लोग हैं, इनको आप लोन दीजिए, तो वो आ रहे हैं अभी रास्ते में, और फिर 2-3 दिन अभी लगा था कैंप, और आज भी अभी आने वाले हैं वो। उससे सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़े गरीब हैं, 10-10 हज़ार से जो हाथ कार्ड चोप का काम होता है, बहनें हमारी, उनके पास कुछ घर में बैठ के 10,000 से अपना मटेरियल वगैरह लाके वो अपना सारा काम, साड़ियां हैं, सूट हैं, ये अपना हाथ से काटती हैं उसको, और उससे इनका रोजगार चलेगा, उससे ही किस्त निकालेंगी। ऐसे हमारे भाई हैं जो छोटे छोटे काम हैं उनके,
सिर्फ जो जींस का काम करते हैं, मशीनें नहीं उनपे, तो अगर उनपे 25,000-50,000 एक लाख लोन उन्हें मिल रहा है तो वो उससे मशीनें ला करके अपना काम करके 10-5,000 महीना का आराम से कमाएंगे और उनकी किस्त भी चली जाएगी। तो यही हम ये काम कर रहे हैं, तो ये लोग सारे बहुत वफादार हैं। इनके पहले तो मैंने इनके सबके पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सारी चीज़ें मैंने इनकी तैयार करा दी। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अब हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी, आवास विकास योजना के तहत 2022 तक इंशाल्लाह हम एक एक को मकान देने वाले हैं। अभी मोदी जी हमारे बोला, हमारा नया बजट आया है, उस बजट में भी 1,95,00,000 हमारे फ्लैट बनने वाले हैं और वो इन सब गरीबों के लिए बनने वाले हैं। और कितना अच्छा बजट देखिए आप, कितना शानदार बजट आया है कि अमीरों से ही जो व्यापार करेगा वो टैक्स देगा और जो टैक्स देगा वो इन गरीबों के लिए इनकी सुविधा होगी और इनके लिए मकान बनेगा। ये थे हमारे मोहम्मद नाजिर अंसारी जो जनता का आए दिन काम कराते रहते हैं, घोंडा मौजपुर में रहते हैं और गरीब लोगों के लिए आधी रात तैयार खड़े हुए रहते हैं। हर आदमी काम कराते हैं, चाहे वो राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, वोटर आईडी कार्ड है या लोन का कोई विषय है। यहाँ तक कि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं मकानों के लिए, उनमें भी ये काफ़ी मदद करते हैं। जो लोगों से हमने बात करी उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा काम करते हैं और निःशुल्क करते हैं। अब सुना है, जो बताया जा रहा है कि 4 मुस्लिम कैंडिडेट दिल्ली के अंदर खड़े किए जाएंगे। अगर इतने बढ़िया काम करने वाले मोहम्मद नाजिर अंसारी हैं तो उनको टिकट होना चाहिए। ये हम जनता से एक बार और पूछ लेते हैं, एक दो भाइयों से या एक दो बहनों से, कि इन्हें टिकट मिलना चाहिए या नहीं। आपका नाम? जुबेदा। जुबेदा जी, टिकट मिलना चाहिए नाजिर अंसारी को या नहीं? हाँ जी, मिलना चाहिए बिल्कुल। जितनी मेहनत ये कर रहे हैं तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। आप सब लोग इनके साथ हैं? हाँ, साथ हैं। आपका क्या नाम है? आशा। आशा, आशा जी, अगर टिकट मिलता है बीजेपी सरकार से तो इनके साथ हैं आप? इंशाल्लाह बिल्कुल साथ, बिल्कुल साथ देंगे। आपका नाम? तायरा बानो। तायरा जी, आप तैयार हैं? जी हम तैयार हैं। नाजिर भाई ने बहुत हमारा काम कराए हैं और आज भी काम आते हैं बहुत। ये जनता का भी कहना है कि अगर नाजिर भाई को टिकट होता है तो हम उन्हें जिता के लेके आएंगे। और सबसे मजे की बात यह है कि गरीब लोग जितने भी हैं सब इनके तन मन धन से साथ हैं, क्योंकि ये रात दिन हर आदमी की सेवा करते हैं, चाहे वो किसी की दवाई गोली का इंतजाम हो, किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करने का इंतजाम हो, उसके लिए आधी रात तैयार खड़े रहते हैं। दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट।